नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूँ आपके साथ श्रुति। रोजाना की तरह हम फिर से हाजिर हैं अपना स्पेशल प्रोग्राम आज का राशिफल लेकर, जहाँ हम आपको बताते हैं आज का दिन आपका किस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बता दें आपको, राशिफल का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व होता है, बहुत महत्व होता है राशिफल का हमारे जीवन में। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। ग्रह नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशिफल का निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं हमेशा समान नहीं होती। आज 7 मई शुक्रवार का शुभ दिन है और आज देवी लक्ष्मी की कृपा कुछ राशियों पर विशेष तौर पर विशेष रूप से रहने वाला है, जिससे इनका भाग्य खुल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं क्या कहती है आपकी राशि। चलिए बताते हैं आपका राशिफल और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? दिन सामान्य ही व्यतीत होगा। कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में गहराई से जानकारी अवश्य लें। मुश्किल समय में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सलाह तथा सहयोग भी मिलेगा। समाज सेवी संस्थाओं के प्रति आपके सहयोग की भावना बढ़ेगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? आप अपनी दिनचर्या तथा विचारों में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। किसी विशेष कार्य के प्रति आपकी लगन और मेहनत सार्थक रहेगी, जिससे समाज में आपके योगदान व कार्य की प्रशंसा होगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? पिछले कुछ समय से चल रही कड़ी मेहनत के आज कुछ सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। बता दें आपको, घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में नुकसान होने की भी आशंका लग रही है। मशीनरी संबंधी बिजनेस में कुछ नए अनुबंध मिल सकते हैं। जॉब में आपके उचित कार्यों की वजह से अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। जीवन साथी के साथ प्रसन्न रहेंगे जॉब में आपके उचित कार्यों की वजह से अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे जीवन साथी के साथ घर की किसी समस्या को लेकर नोकझोंक हो सकती है। समय उचित सामंजस्य तथा मनोबल बनाए रखने का है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, परंतु लापरवाही करना उचित नहीं है। योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा तले भुने भोजन का सेवन ना करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से? किसी निकट संबंधी के साथ चल रहे विवाद दूर होंगे और आपसे संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलेंगी जो कि भविष्य में फायदेमंद साबित होंगी। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी अवश्य लगाएं। अपने निजी तथा व्यावसायिक कार्यों में बेहतरीन तालमेल बनाकर रखेंगे। बीमा शेयर इत्यादि जैसे व्यवसाय में कुछ लाभदायक स्थिति रहेगी। राजनैतिक संपर्क बढ़ेंगे। सरकारी सेवारत लोगों को किसी दूसरे डिपार्टमेंट के कार्यों को भी करना पड़ सकता है। पारिवारिक वातावरण सुखद और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ होंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर्फ असंतुलित खान पान की वजह से गला खराब रह सकता है। योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा तले भुने भोजन का सेवन ना करें। अपना ख्याल रखें। चलिए बात करते हैं अगली राशि। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? व्यस्ततम दिनचर्या बनी रहेगी। संतान की किसी उपलब्धि से आप गर्वित महसूस करेंगे। आप अपनी प्रतिभा के दम पर अलग पहचान बनाने में भी कामयाब रहेंगे। कुछ खर्चे और चुनौतियां आपके सामने आएंगे। आज आपकी व्यवस्था से कोई बाधा दूर होगी। अभी फाइनेंस से संबंधित कार्य पर अधिक ध्यान दें। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी जो कि फायदेमंद रहेगी। हो सकता है कि किसी वजह से आपको अपने उसूलों व सिद्धांतों से समझौता भी करना पड़े। लव अफेयर के मामले में सावधान रहें। आपकी कुछ बातें सार्वजनिक हो सकती हैं। जीवन साथी तथा घर परिवार के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अपच और गैस जैसी समस्या से बचने के लिए अपने खान पान की आदतों में सुधार लाएं। योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा तले भुने भोजन का सेवन ना करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से? घर तथा बिजनेस दोनों जगह उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपके प्रयास कामयाब रहेंगे। व्यक्तिगत संबंधों में भी घनिष्ठता आएगी। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद व स्नेह से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। व्यावसायिक गतिविधियां मंद रहेंगी। यह समय अपने मार्केटिंग और संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने में व्यतीत करें। निकट भविष्य में इससे आप फायदा उठा पाएंगे। ऑफिस से संबंधित कार्यभार की अधिकता बनी रहेगी। पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा। एक दूसरे के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप करने से मनमुटाव हो सकते हैं। अपने स्वभाव में स्थिरता बनाए रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। चिंता ना करें, परंतु वर्तमान वातावरण से अपना बचाव भी रखना जरूरी है। योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा तली भुनी भोजन का सेवन ना करें।
योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा लघु भोजन का सेवन ना करें। अपने खान पान का ध्यान रखें। इम्यून सिस्टम बढ़ाकर रखें। चलिए बात करते हैं अगली राशि, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। ग्रह स्थिति कुछ परिवर्तनशील है। किसी भी योजना पर अमल करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य करें। व्यापारिक मंदी के बावजूद आपको कोई उचित उपलब्धि मिलेगी। योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को पूर्ण करें। कानूनी नियमों की अवहेलना बिल्कुल ना करें। ऑफिस से संबंधित पेपर्स को सुव्यवस्थित तथा कंप्लीट रखें। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक अनुमति मिल सकती है। घर का वातावरण भी सुखद और सहयोगात्मक बना रहेगा। नजला जुकाम और गले में इन्फेक्शन जैसी दिक्कत बढ़ेगी, परंतु घबराएं नहीं और अपना उचित इलाज लें। योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा तली भुनी भोजन का सेवन ना करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। सामाजिक तथा समाज सेवी कार्यों के प्रति आपका विशेष योगदान रहेगा। समय कुछ चुनौतीपूर्ण है। स्त्री वर्ग प्रत्येक क्षेत्र में व्यवस्था बनाकर रखने में सक्षम रहेंगी। स्वयं के विकास के लिए व्यवहार में थोड़ा स्वार्थीपन भी लाना जरूरी है। व्यवसायिक गतिविधियां घर से ही सुचारू रूप से चलती रहेंगी। फोन तथा इंटरनेट के माध्यम से आपका कार्य होता रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। घर के रखरखाव या सुधार संबंधी कार्यों को अभी स्थगित रख करने में ही भलाई है। कार्य करने की प्रणाली में भी नवीनता लानी होगी। राजनैतिक संबंध तथा जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कुछ सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इस समय बिजनेस में वर्तमान कार्यों पर ही ध्यान दें। ऑफिस में माहौल अनुकूल बना रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। व्यक्तिगत तथा रुचिपूर्ण कार्यों में उचित समय व्यतीत होगा और आप मानसिक रूप से खुशी महसूस करेंगे। कोई रुका हुआ कार्य भी पूरा हो सकता है। योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से आपके कार्य करने की प्रणाली आपको सफलता प्रदान करेगी। इस समय मीडिया और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा ध्यान दें। पब्लिक रिलेशन को और अधिक मजबूत बनाएं। चलिए बात करते हैं अगली राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव और थकान से राहत पाने के लिए बता दें आपको, अपनी रुचिपूर्ण गतिविधियों में भी समय व्यतीत करें। मानसिक रूप से आपको खुशी मिलेगी। युवाओं और विद्यार्थियों के प्रतियोगिता संबंधी परिणाम उनके पक्ष में आ सकते हैं। घर में ही ऑफिस के कार्यों को उचित तरीके से करने में सक्षम रहेंगे और कंपनी को फायदा भी होगा। समय का भरपूर सदुपयोग करेंगे। घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, खुशी भरा माहौल रहेगा। विवाह के प्रस्ताव बनेंगे। विवाह योग्य लोगों के लिए विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे। विवाह तय होगा, विवाह का योग बन रहा है। चलिए बात करते हैं अगली राशि, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। आज किसी पुरानी समस्या का हल मिलने बहुत ही अधिक खुशी महसूस होगा। कुछ लाभदायक परिणाम सामने आएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव रखना तथा उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाना आपके भाग्य को उन्नत करेगा। व्यवसायिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी। अभी कुछ बदलाव लाना भी उचित नहीं है। बता दें आपको हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट स्पिरिचुअल रिपोर्ट।